हे गाइस नमस्कार, वेलकम टू राणा एजुकेशन। दिस इज मनोज राणा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नेट सेट एंड पीएचडी इन टूरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू कुड गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय ऑल अपकमिंग वीडियोस। This video is regarding the timetable of NCHM City JEE 2020 crash course. 35 days of crash course, and in this crash course you will get all the audio lectures of all the topics of your syllabus, plus PDF files, plus PPTs. There is a good news for all of you that now there is 40% of discount on this crash course. Earlier the price was set 3000 for this course. Now you will have to pay only 1800, guys. In 1800 you'll get PDF notes, you'll get audio lectures, you'll get all the PPTs. We will cover the entire syllabus in 35 days. How we will cover that? Let us discuss the timetable and discuss how it will go like. ओके गाइस, तो ये है टाइम टेबल फॉर एनसीएचएम सिटी जेईई 2020 बैच 3। ओके गाइस, ये शुरू होगा 27th ऑफ अप्रैल से और ये चलेगा टिल 31st ऑफ मई 2020। गाइस, फर्स्ट बैच हमारा जैन फेब में हुआ था, सेकंड बैच अभी रनिंग है जो 24th अप्रैल को खत्म होगा, और थर्ड बैच जो है वो आपका 27 अप्रैल को मैं गाइस शुरू करने वाला हूँ। अब गाइज, जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम पहले 24th अप्रैल को होना था, बट ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस अब इसकी जो डेट्स हैं वो ऑफकोर्स पोस्टपोन हो गई हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो डेट फाइनल ही हुई है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो एग्ज़ाम है आपका मई एंड में या जून के फर्स्ट वीक में हो सकता है, ठीक है। तो तब तक हम ये पूरा बैच अपना ख़त्म कर चुके होंगे। 35 डेज का ये क्रैश कोर्स रहने वाला है गाइज। गाइज, आप 27th अप्रैल से 31st मई तक डेज काउंट कर सकते हैं, ये पूरे 35 डेज का क्रैश कोर्स बनता है। तो आइए देखते हैं टाइम टेबल में कैसे है और कैसे हम इसको कवर करेंगे। 27th को हम शुरू कर देंगे गाइज, 27th अप्रैल से लेके 2nd ऑफ मई तक हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब मैंने इंग्लिश से इसलिए शुरू किया है क्योंकि इसके पीछे दो बातें हैं। पहले तो ये है कि इंग्लिश जो है सबसे मेजर पोर्शन है और वहां से आपके 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं गाइस। ओके, पहली बात तो ये है, ठीक है। और सेकंड बात ये है कि इंग्लिश में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत पहले से शुरू करनी पड़ती हैं टिल एग्जाम डेट, जैसे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, तो आपको डेली का एक पैराग्राफ पढ़ना है, तो वो आपको वेरी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही शुरू कर देना है ताकि एग्जाम तक एग्जाम की डेट आते आते आप उसमें बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओ। वैसे आपके जो 5 वर्ड्स आपको डेली के याद करने होते हैं, 10 आपको सिनोनिम एंटोनिम लिखने होते हैं, वो आपको उसमें टास्क मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं इंग्लिश को पहले कर रहा हूं ताकि जब तक आपका एग्जाम की डेट आएगी तब तक आप इस पोर्शन को काफी अच्छे से पढ़ पाएंगे और 60 क्वेश्चंस यहां से आते हैं और आप इसमें काफी अच्छा स्कोर कर पाओ, इसलिए मैं इसको सबसे पहले करवा रहा हूं गाइस। 27th अप्रैल से लेके 2nd ऑफ मई तक हम इसको खत्म करेंगे। जो आपको टॉपिक इसमें दिख रहे हैं इन सभी पे आपको ऑडियो लेक्चर मिलेगा, वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा कि हाउ वी अटेम्प्ट स्पॉटिंग एरर्स, हाउ वी डू सेंटेंस कंप्लीशन, हाउ वी डू सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको उन लेक्चर्स में समझाए जाएंगे, ठीक है। तो 2nd ऑफ मई तक ये आपका पूरा इंग्लिश वाला 6 दिन में हम कवर करेंगे, ठीक है। 6 आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलेंगे और 2nd ऑफ मई को आपको इसका मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें हमने जो पूरा वीक पढ़ा होगा इसके बारे में उसका एक मॉक टेस्ट होगा ताकि हमें पता रहे कि हम किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। और इसके साथ आपको 2016 का जेई का जो एग्जाम हुआ था एनसीएचएम सिटी का, वो भी सॉल्व पेपर आपको इसमें मिलेगा गाइस। उसके बाद 4th ऑफ मई से लेके 9th ऑफ मई तक गाइस हम पढ़ेंगे एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है आपका ये भी 2nd मेजर पोर्शन है, यहां से गाइस 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 60 इंग्लिश के और 50 आपके सर्विस एप्टीट्यूड के,
दोनों के मिला के 110 क्वेश्चन तो आपके इन दो सेक्शन से ही आते हैं, इसीलिए मैं इन दोनों सेक्शन को सबसे पहले आपको करवा रहा हूं। तो हम 4 मई से लेके 9 मई तक एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर कवर करेंगे। इसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ओवरव्यू ऑफ होटल इंडस्ट्री, लेक्चर ऑन फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, मैनेजमेंट स्किल्स, डिसीजन मेकिंग से आपके 25-30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो हाउ वी टेक डिसीजंस, जो स्किल्स क्या रहते हैं वो आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके गाइज। और इसके बाद ये करने के बाद 9 तारीख को आपको इसका मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें हम जो पूरा वीक हमने सर्विस के बारे में पढ़ा है उसका आपका टेस्ट लिया जाएगा, और साथ में ही आपको दिया जाएगा 2017 का NCHMCT JEE का सॉल्व पेपर, ओके गाइज। उसके बाद गाइज हम शुरू करेंगे 11 मई से लेके 16 मई के बीच में, उस वाले हफ्ते में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और यहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ भी आपको इस पूरे हफ्ते 5 या 6 लेक्चर्स मिलेंगे, जहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं इनका कॉन्सेप्ट, कैसे इनको अटेम्प्ट करते हैं, इनके पीछे क्या फॉर्मूला है, क्या मैथ है, वो तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर से समझाया जाएगा, ठीक है गाइज। और 16 मई को आपको इसका भी मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, और साथ में आपको मिलेगा 2018 का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ NCHMCT JEE। उसके बाद गाइज 18 मई से लेके 23 मई तक हम कर रहे होंगे रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन। ये रीजनिंग से भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ भी इस पूरे हफ्ते में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जिन लेक्चर्स में जितने भी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका कॉन्सेप्ट, हाउ वी अटेम्प्ट नंबर सीरीज, हाउ वी डू एनालॉगी टेस्ट, हाउ वी डू यू नो डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इनके पीछे वो आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और 23 मई को गाइज 18 से 23 मई तक हम ये करेंगे, और उसके बाद 23 मई को आपको इसका मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, रीजनिंग और लॉजिकल डिडक्शन का। 25 मई को गाइज 25 मई से लेके 30 मई तक हम कर रहे होंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल लैंग्वेज एंड करंट अफेयर, ओके। तो यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, है ना, इंडियन इकोनॉमी एंड जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, फैक्ट्स अबाउट होटल इंडस्ट्री। और 30 मई को आपको इसका भी एक मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, और उसके साथ आपको मिलेगा 2019 लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर, ओके। और 31 मई को हमारा लास्ट डे होगा, और इस दिन आपको मेगा मॉक टेस्ट मिलेगा फॉर एंटायर पेपर, जो पूरा 35 डेज में हमने पढ़ा होगा उसका आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसको आप खुद ही लगाएंगे, और उसके साथ आपको एक लेक्चर मिलेगा ऑन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, एंड उसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, हाउ टू यू नो मैनेज टाइम ड्यूरिंग पेपर, हाउ टू यू नो मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करना है एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग है तो कैसे पेपर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, ओके गाइज। तो ये हमारा कुछ ओवरव्यू रहेगा, और ऐसे हमारा ये पूरा एंटायर क्रैश कोर्स गाइज चलने वाला है। अब गाइज अगर आपको सिलेबस और NCHMCT एंड NTA के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो मैंने उस पर अलग से वीडियोज़ बनाए हुए हैं, ठीक है। अभी आपके ऊपर सजेशंस में एक वीडियो पे एक लिंक आ रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप NTA के बारे में और NCHMCT के बारे में ऑल अबाउट NCHMCT करके एक वीडियो है, उसका लिंक अभी आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी नहीं आइडिया है, तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक अभी आपको ऊपर सजेशन में दिख रहा होगा, तो वहाँ जाके आप उसको गाइज देख। गाइज 35 डेज में अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, 35 डेज में आपकी ऐसी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे NCHMCT JEE 2020 में, और उससे आपका अच्छा रैंक आएगा, और उस रैंक के बेस पे आप अपना मनपसंद कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। गाइज बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि आपका जो प्राइस है इस कोर्स का बेस प्राइस, वो हाफ कर दिया गया है, ऑलमोस्ट हाफ कर दिया गया है। नाउ इसके ऊपर 40% डिस्काउंट है। यही कोर्स आपका
3,000 रुपये का आपको मिल रहा था, लेकिन अब यही कोर्स आपको ओनली 1,800 रुपये में मिलेगा। तो टाइम वेस्ट ना करें, मेरी वेबसाइट राणा एजुकेशन, इसका लिंक आपको ऊपर अभी सजेशन में दिख जाएगा, उस पर विजिट करें, इस कोर्स को अभी के अभी ज्वाइन करें। ओके गाइज, तो ये मेरी वेबसाइट का फ्रंट पेज है। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, यहाँ आप देखें कोर्सेज स्टार्टिंग सून, ठीक है। तो आपको जो ज्वाइन करना है वो मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, दिस इज क्रैश कोर्स फॉर NCHMCET JEE बैच 3। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्टार्ट डेट है, 27th of April। ओके, तो इस पर जाके आप यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लर्न मोर पे क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस आपके सामने खुलेगा गाइस, ओके। और वहां पे दिखाया गया होगा कि क्या क्या इस कोर्स में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका नया इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट द कोर्स, कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो कोर्स में आपको सभी टॉपिक्स के ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन, ठीक है गाइस, ये आपको मिलेंगे, ठीक है। PDF notes for all topics of all sections, सभी के PDF notes मिलेंगे। MCQs या mock test आपको सभी sections के बाद मिला करेगा, ठीक है। And solve previous year question paper 2016 से 2019 तक के सभी paper आपको solved यहाँ पे guys दिए जाएंगे। Next है content validity, जिसका मतलब है कि जो आपको content मिलेगा वो कब तक valid रहेगा, ठीक है। तो गाइस, जो भी आपको PDF मिलेंगी उन सबको तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन होंगी उनको आप देख सकते हैं, उनको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। और वो आप कब तक देख सकते हैं, जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है, मीन्स आप 31 मई तक ऑडियो वीडियोस को देख सकते हैं, उसके बाद ये आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, ठीक है। लेकिन PDF को आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो गाइस, ठीक है। अदर मटेरियल लाइक MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये भी गाइस 31 मई के बाद आपके अकाउंट से हट जाएंगे। तो उसको बोलते हैं अकाउंट की वैलिडिटी, कि कब तक आप क्या क्या मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और क्या क्या आप एक्सेस कर सकते हैं। अब गाइस, इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले डेमो आप यहाँ पे जरूर देखेंगे, ठीक है। ये व्यू डेमो है, जैसे आप व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे तो कुछ डेमो क्लासेस हैं जो मैंने इसमें अपलोड की हैं। वहां पे आप देख सकते हैं कि आपको जो कंटेंट मिलेगा उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, ठीक है गाइस। तो ये डेमो सेक्शन है, जैसे कि आपको पता है आपके सिलेबस में 5 सेक्शंस हैं, मैथ है, रीजनिंग है, सर्विस एप्टीट्यूड है, इंग्लिश एप्टीट्यूड है एंड जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। तो इन 5 सेक्शंस का एक एक डेमो क्लास मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। इन डेमो को पहले देख लें, अगर आप सेटिस्फाई हैं तभी इस कोर्स को ज्वाइन करें। जैसा आपको इन डेमो में पढ़ाया जा रहा है वैसा ही कंटेंट आपको पूरे कोर्स में गाइस मिलेगा, ठीक है। तो इन डेमोस को आप एक बार जरूर देख लेंगे कोर्स को ज्वाइन करने से पहले। देन यहाँ पे ये ऑल अबाउट NCHM का वीडियो है, ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि NCHMCET क्या है, NTA क्या है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस है गाइस, ठीक है, कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका सिलेबस क्या है, वो इसको मैंने अलग से वीडियो बनाया था, वही वो वाला वीडियो ये है। यहाँ पे भी एक डेमो क्लास है और यहाँ पे आपका पहले बैच का टाइम टेबल है, ठीक है। तो ये सारी डेमो क्लासेस हैं, इनको आप एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद डेमो क्लास देखने के बाद गाइज एक स्टेप आप बैक जाएंगे, ठीक है। और बैक जाने के बाद यहाँ पे अब आपने पूरा देख लिया है कि कोर्स में क्या क्या आपको मिलने वाला है ना, और क्या क्या उसकी वैलिडिटी है, और ये डेमो है। ये देख सब कुछ देखने के बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं तभी आप इस कोर्स को गाइज ज्वाइन करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेमो देखने के बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं तभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपने अगर एक बार कोर्स को ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद किसी भी हालत में आपका जो मनी है वो आपको नहीं रिफंड होगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कोर्स ज्वाइन करने के 6 दिन बाद कि मुझे
नहीं अब मुझे ये कोर्स छोड़ना है, मेरे पैसे वापस कर दो, ठीक है, तो वो नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब डेमो देख लेंगे, ये सब कुछ पढ़ लेंगे, अगर आप सेटिस्फाई हैं तभी आपको उसको गाइस ज्वाइन करेंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन द कोर्स पर क्लिक करेंगे। ओके गाइस, इस पर क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, ठीक है, और वो इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा क्रैश कोर्स फॉर NCHMCT JEE बैच 3। इसका प्राइस 1800 रुपये है जो 35 डेज तक चलेगा। इसको आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे। ऐड टू कार्ट करते ही आपकी कार्ट में ऐड हो जाएगा इस, ठीक है, जैसे कि हम अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे व्यू कार्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ऐसे आपको आपकी कार्ड दिखाएगा जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा है और उसका प्राइस लिखा है, उसकी क्वांटिटी लिखी है और यहाँ पे लिखा है आपका सब टोटल 1800 रुपये। नाउ यू विल प्रेस द चेकआउट, ठीक है। चेकआउट प्रेस करते ही आपका बिल वाला पेज खोलेगा जहाँ पे आपको बिलिंग करनी है गाइस। तो इस पेज को आप बहुत ही ध्यान से भरेंगे। जहाँ जहाँ पे रेड स्टार्स लगे हैं वो आपको भरना मैंडेटरी है, ठीक है। तो आपका नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, ओके। देन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका फोन नंबर और आपका ईमेल आईडी जो जीमेल की होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ईमेल आईडी जो आपकी जीमेल की होनी चाहिए वो आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका एक प्रोडक्ट है उसका अमाउंट 1800 है। देन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आई हैव रेड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो आप इस पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ये बिल वाला पेज है जहां जहां पे रेड स्टार है वो आप सब भरेंगे, ठीक है। मेरे को जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चाहिए वो आपका फोन नंबर और आपका ईमेल आईडी, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे बाद में आपको नोट्स वगैरह सब कुछ आएंगे। तो आपकी जो ईमेल आईडी है गाइज वो जीमेल की होनी चाहिए। ये पूरा भरने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप करेंगे प्लेस ऑर्डर। ओके गाइज, तो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते ही गाइज आपके सामने जो पेमेंट वाला पेज है अब वो खोलेगा। वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट ऑप्शंस आपके पास आएंगे, ओके। तो वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे आ चुका है आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी और ये अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहे क्रेडिट कार्ड से करो या आप किसी नेट बैंकिंग से करो या UPI से करो या किसी वॉलेट से करो, वो आपकी च्वाइस है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन जो फॉर्मेलिटी है कार्ड नंबर वगैरह पूरा भरने के बाद, जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और आपको एक मेल आएगा जिसमें वो फीस की रिसीट होगी, वहां लिखा होगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट चूज करा है, ठीक है। तो आपको एक एक रिसीट आएगी और एक मेल मुझे आएगी जहां पे आपका नाम एंड आपका कोर्स का नाम और आपकी ईमेल आईडी उसमें लिखी होगी, ठीक है। और उस ईमेल आईडी को मैं उस क्लासरूम में ऐड कर लूंगा जहां पे हमारा एक क्रैश कोर्स गाइस चलेगा, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूं डेमो जो अभी करंट में जो बैच चला हुआ है, ठीक है, बैच टू जो हमारा चला है। तो आपको मैं बैच टू का एक क्लासरूम दिखा देता हूं। ओके गाइस, तो ये देखो ये है गूगल क्लासरूम और यहाँ पे आप देख सकते हैं NCHMCT JEE क्लासेस बाय मनोज राणा बैच 2, ठीक है। और इसकी ये बैच हमारा शुरू हुआ था 20 मार्च को और इसकी वैलिडिटी है टिल 24 अप्रैल से, ठीक है। तो 20 मार्च से लेके ये देखो 20 मार्च को यहाँ पे फर्स्ट क्लास यहाँ पे आई थी, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड क्लास 21 मार्च को, देन 22 मार्च को, 23 मार्च को। ये लिंक है, ठीक है गाइज, ये क्लासरूम का लिंक है। यहाँ पे जो अभी आपको डेमो में मैंने वीडियोस दिखाए तो वो ऐसे आपको यहाँ पे गाइस मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको अभी मैं एक डेमो दिखाऊं तो ये देखो जैसे लिंक है 27 को हमने लिंक भेजा है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या खुलता है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल का मॉक टेस्ट है, मैथ का मीन्स मॉक टेस्ट है, ठीक है गाइज। ऐसे ही अगर हम जैसे 28th को देखते हैं कि हमने क्या भेजा था 28th ऑफ मार्च को,
ठीक है, तो ये रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर है। ओके, तो ये हमारा रीजनिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू NCHM सिटी। ऐसे ही गाइस आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिला करेंगे। आप जैसे ही वहाँ कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो जो ईमेल आईडी आपकी मेरे पास पहुँचेगी उसको मैं गूगल क्लासरूम में ऐड कर लूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैच 2 है, तो इसके जो बच्चे हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन सभी बच्चों की ईमेल आईडी है जो अभी इस कोर्स में एनरोल्ड हैं। ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ पे थर्ड बैच चलेगा गाइस। ठीक है, ये मैंने क्लासरूम बना दिए हुआ है, जैसे ये देखो बैच 3, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो उन बच्चों को मैं गाइस यहाँ पे ऐड करूँगा। एक बच्चे की एडमिशन यहाँ पे हो भी चुकी है। ओके गाइस, देन ये था कि कैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और कैसे हमारा ये पूरा कोर्स 35 डेज चलेगा। ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट द कोर्सेज एंड ऑल अबाउट द टाइम टेबल, हाउ इट विल गो लाइक एंड हाउ यू कैन ज्वाइन द कोर्स, हाउ यू विल गेट ऑल द नोट्स, हाउ यू विल एक्सेस ऑल द मटेरियल लाइक PDF, वीडियोज, PPTs एटसेट्रा। गाइस, प्राइस पे ना जाएं क्योंकि वैसे ही मैंने इस पे 40% डिस्काउंट आपको दे दिया हुआ है गाइस। ओके, अभी कोर्स आपको सिर्फ 1800 रुपये में पढ़ने वाला है, और अगर आपको लगता है कि 1800 भी बहुत ज़्यादा है देन यू कैन चेक ऑन गूगल। ओके, आप गूगल कर सकते हैं, कंपेरेटिवली मेरा जो प्राइस होगा वो सबसे कम होगा, आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने इस कोर्स के जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ के जो प्राइजेज हैं वो 5000, 6000, इवन 10000 भी मैंने कुछ सिटीज में इसके प्राइजेज देखे हैं गाइज। तो आप प्राइस पे ना जाएं, ये जो मनी है दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। ओके गाइज, ये आप इन्वेस्ट करेंगे, आप 35 डेज क्लासेस लेंगे, स्टडी करेंगे, आपका अच्छा रैंक आएगा, और अच्छा रैंक आके आप अपना जो आपका मनपसंद कॉलेज है, जो आपके नियर बाई है, जो आप जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, और वो ही आपका इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा गाइज। ओके गाइज, मैं इस फील्ड में पिछले 10 साल से हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री सिंस 10 ईयर्स, आई हैव 7 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, आई हैव 3 ईयर्स ऑफ होटल एक्सपीरियंस, यू कैन चेक आउट माई प्रोफाइल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो यू कैन ट्रस्ट मी। आई एम असिस्टेंट लेक्चर एट IHM शिमला, तो मैं इस सिस्टम का 10 साल से पार्ट हूँ, सो यू कैन ट्रस्ट मी। जिस इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हो उसी इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूँ, उसी सिस्टम का मैं पार्ट हूँ, तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं गाइज। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट वाई ऑनलाइन कोर्स, देर आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज गाइज। ऑनलाइन और ऑफलाइन को अगर हम कंपेयर करें तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप उसको किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। जो मटेरियल है वो आपके ईमेल आईडी में आएगा, आपका जब तक एग्जाम है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके पास। ठीक है, आप अपने हिसाब से जब भी आपका पढ़ने का स्केड्यूल है आप उस टाइम पे पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या रहता है कि आपको एक फिक्स टाइम फॉलो करना रहता है जो कि कई बार आपके हिसाब से कन्वीनियंट नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन का शुरू किया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, चाहे सुबह चाहे शाम जब भी उनको टाइम लगेगा वो उसको पढ़ सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं गाइज, एंड यही ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। Okay guys, then thank you for watching, and if you find this video informative then please do like it, share it with your friends, with the needy students, and at your social media like Facebook and Instagram. Okay guys, okay then, bye bye, take care, and I hope that you all will join this course, and till then, bye bye, take care.